नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मेरे पास कुछ सब्सक्राइबर का मैसेज आ रहा है कि सर, जो प्लेट का मॉइस्चर है उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो मैं उस पर एक वीडियो लेकर आया हूँ। तो इसको टेस्ट करने के लिए जो सबसे यूनिक, सबसे एक्यूरेट जो तरीका है वो है मॉइस्चर एनालाइजर के थ्रू। ये एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है, कांटे की तरह का होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल जो होता है उस टाइप का होता है बिल्कुल, लेकिन ये कॉस्टली बहुत ज़्यादा है तो हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इसका जो सबसे सस्ता मॉडल है वो भी करीब 1,32,000 रुपये का है, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। तो लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल एक्यूरेट रहता है। इसमें टेस्ट करने का जो तरीका है वो ऐसा है कि इसके अंदर एक सेंटर में प्लेट रहती है, प्लेट के अंदर आपने जिस प्लेट का मॉइस्चर चेक करना है उसका एक्टिव मटेरियल निकाल के करीब 8 से 10 ग्राम वो उस पर रख दो, इसको क्लोज कर दो, तो ये अपने आप 10 मिनट के अंदर अंदर, 10 से जितना ज़्यादा मॉइस्चर होता है उतना ही ज़्यादा टाइम लेता है, जितना कम मॉइस्चर होता है उतना ही कम टाइम लेता है, तो उसका मॉइस्चर रिड्यूस होता जाता है। और वो ना एल्गोरिदम उस टाइप का होता है इसका कि जितना भी मॉइस्चर कम होता जाता है उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करके वो उसको शो करता रहता है। तो जब रीडिंग रुक जाती है, जितना भी इसके अंदर मॉइस्चर होता है उसको परसेंटेज में शो कर देता है। दूसरा तरीका एक और है, इसमें एक एनालाइज़र आता है लेकिन वो एनालॉग टाइप का रहता है, उसका सिस्टम जो है मैकेनिकल रहता है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं रहता है। इसको मैंने यूज किया लेकिन इसके अंदर मेरे को एक्यूरेसी नहीं मिली, तो इसमें 0.2-0.3% का वेरिएशन हमेशा रहता था और इतना वेरिएशन काफ़ी होता है हमारे लिए। सपोज़ कीजिए कि हमारा 1% मॉइस्चर है और ये 0.7 शो कर दिया तो हम उस प्लेट को यूज कर लेंगे, जो कि गलत है, तो मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगा। ये दूसरी बाकी की इंडस्ट्री में चलता है जहाँ पर 0.5% का जो वेरिएबल रहता है वो अलाउड रहता है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में हमें हर स्टेज पर एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए होता है, इसलिए मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगा। और जो तीसरा तरीका है, हमें जिस प्लेट का भी मॉइस्चर चेक करना है हम उस प्लेट को लेकर उसका जो एक्टिव मटेरियल है वो उसमें से निकाल लेते हैं, और जी उसमें से निकाल कर उसको वॉच ग्लास पे रख कर एक छोटे इलेक्ट्रॉनिक कांटे पे, जो कैलकुलेटर टाइप का कांटा आता है उस पे वेट करते हैं। तो सपोज़ कीजिए उस एक्टिव मटेरियल का हमारा वेट 20 ग्राम है, तो उसको वेट करने के बाद हम वॉच ग्लास को ओवन के अंदर रख देते हैं। ओवन लगभग सभी के पास लैबोरेटरी में अवेलेबल रहता है, तो इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद इसको फिर वापस निकालते हैं, उसका वेट करते हैं। सपोज़ कीजिए ये वेट आता है हमारा 19 ग्राम, तो हम इसकी एक कैलकुलेशन के थ्रू हम परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर निकाल सकते हैं। ये 19 × 100 / 20, तो हमारे पास 95% जो है एक्टिव मटेरियल बचता है, तो हमारा 100 - 95 = 5% हमारा ये मॉइस्चर का परसेंटेज आ जाता है। तो दोस्तों ये था मॉइस्चर टेस्टिंग प्रोसीजर। तो वीडियो कैसी लगी आपको बताइएगा ज़रूर, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जो भी अच्छी बुरी बातें हो बताइएगा ज़रूर। किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाने के लिए आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, कोशिश करूँगा उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।